आहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है, मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाह गरीब मनु फकरा। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश। अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो? माय गॉड, दुल्हा साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफजदा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मसला मैंने आप लोगों का टीवी पे देखा था, तो मैंने वहाँ से नंबर लेके आप लोगों को रिक्वेस्ट करके बुलवाया यहाँ पे। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ से रह रहा था, तो घर में कुछ जीबो गरीब सी ना काम शुरू होना हो गया। को कभी खुद बर्तन नीचे गिर जाना, कभी कपड़े नीचे खुद ही गिर जाने, कभी बच्चों के खिलौने ऐसे यूँ चलने शुरू हो जाने, पंखा खुद ऑटोमेटिकली को चलना शुरू हो जाए, दरवाज़ा बैठे हुए तो ऑटोमेटिकली बंद होना शुरू हो जाए। तो रात को जब हम सोते हैं तो बच्चे जो है ना परेशान होते हैं, तो बच्चों को कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। इस घर में ना ये बड़ा मसला हुआ है, तो मैं तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर जो है ना इतनी देर ठहरे ना, नुकसान पहुँचाती हैं ये चीज़ें। ये देखें मेरे घर का हाल क्या कर दिया हुआ इन्होंने, कभी कोई चीज़ फेंक देते हैं, कभी कोई चीज़ फेंक देते हैं, इस तरह का ये मेरे साथ हो रहा है। तो मसला ये हुआ है कि मैं रात को अक्सर ड्यूटी पे आता हूँ, घर आता हूँ, तो मुझे ना जीपो गरीब सा खौफ नज़र आता है यहाँ पे। तो चीज़ें मैं बैठा, कल की बात है कि मैं कल कमरे में उस कमरे में बैठा हुआ था, तो ऑटोमेटिकली मेरा दरवाज़ा बंद हो गया। तो मैं परेशान हो गया कि दरवाज़ा किसने बंद किया, मैंने बाजू बच्चे भी सोए मैं सर दरवाज़ा किसने बंद किया। तो मैं खुद परेशान हो गया, मैं कहा यार ये कैसे हो गया। मैं उठ के इधर उधर देखा है, कभी नहीं। फिर मैं जाके लेटा हूँ तो फिर मेरे बर्तन गिरने शुरू हो गए। तो ये मेरे साथ मसला हो रहा है, कभी मेरे कपड़े अलमारी से नीचे गिर जाते हैं, कभी बाथरूम में टूटी ऑटोमेटिकली खुल जाती है, तो कभी जो है ना दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, कभी कोई दरवाज़ा बजा रहा है ऐसे लग रहा है। तो ये मसला हो रहा है मेरे साथ, तो मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हो रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्या है। तो जी नहीं, नीचे वाले पोर्शन में रह रहा था, तो ये मसला हो रहा है, तो मैं ना घर शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ। तो ये मसला आ रहा है कि ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है काम, तो ये इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो बच्चे सर जी नज़र कुछ नहीं, साया सा नज़र आता है मुझे, एक जैसे जैसे होता है ना कि यूँ भाग के कोई चीज़ चलेगी, यूँ भाग के चलेगी। इंसानी लगता ऐसे जैसे इंसानी, लेकिन होता इंसानी होता नहीं है। कोई चीज़ की तरफ लाइट जलाएं तो गायब हो जाता है, लाइट बंद करें तो साया जैसे दीवारों पे होता ना, कोई दीवार पे कोई चीज़ नज़र आ रही है या कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। सोते हुए एक दफ़ा क्या हुआ है कि मैं सोया हुआ था, तो मैंने कंबल ऊपर लिया, अभी आपको पता है सर्दियों का मौसम है तो बंदा कपड़ा ऊपर ले लेता, तो मैं कंबल ऊपर लिया, तो मेरे बार बार मेरे से कंबल खींची जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। मैं खुद खौफ से उठ के बैठ गया हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कंबल मेरा नीचे क्यों जा रहा है। एक दिन ऐसे हुआ, मेरा बेटा सोया हुआ था, उठ के अभी पहले थोड़ी देर पहले सोया हुआ था, तो थोड़ी देर बाद आके मेरे साथ सो गए। ये मसले में फंसे उलझन में, हमने कारी साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कि घर में कोई पढ़ाई शुराई कराओ आप, घर में कोई चीज़ें हैं। तो कारी साहब से टाइम हुआ है, तो देखा मैंने आपका टीवी पे देखा था, सेवन न्यूज़ वाला, तो मैंने इनको बुलाया है प्लीज़ करके, आप घर में आप शायद आपके समझ में आएगा, आप चीज़ें बताएं कि ये हमारे घर में ये मसला हो रहा है, इस वजह से सर हम बड़े परेशान हैं, इसका कोई हल है तो आप ज़रूर निकालें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इस्लाम के नजर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफजदा, मैं हूं मुशारिफ फारूकी और मैं हूं मुजाहिद। नजर आज हम लाहौर के इलाके एक ऐसे घर में मौजूद हैं जो कि आबाद भी है, लेकिन उमर यहां पे जो रहते हैं उनकी जबानी जब हमने आप लोगों ने भी सुनी, उनका कहना ये है कि इस पोर्शन में वो पहले रहा करते थे, अभी रिसेंटली वो इसके जो दूसरा पोर्शन है वहाँ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन उसको तैयार भी करवाया है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे बस्ती है उन्होंने पहले सोचा शायद यहाँ पे अगर इसको रेनोवेट करवाएं या कुछ बेहतरी लाई जाए तो शायद वो चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। वो सफाई भी बोले थे कि अगर सफाई हम लोग एक कमरे में करवाते हैं तो वो दोबारा से उस जगह पे गंद आ जाता है, गंदगी आ जाती है सारी, तो खुद ब खुद। हाँ उमर, आप इस चीज़ को हम अगर पॉइंट आउट करें तो अब इर्द गिर्द भी देखेंगे ना तो मट्टी है, बिल्कुल है, मट्टी है। और वो कहते हैं कि कपड़ों का अपनी जगह से गिर जाना और रात को सोते हुए तंग करना, तो ये सारे मामलात हैं। हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। हाँ चलें, हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, बाकी देखते हैं। चलते हैं रूम की तरफ।
ध्यान से जरा देखिएगा नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं आगे की तरफ। और ईएमएफ पे रीडिंग हल्की सी इस कमरे की तरफ से आ रही है। और इस कम ये वो कौन है? कुंडी भी नहीं है प्रॉपर। माफ़ करिए, हवा नहीं है ऊपर? हवा तो नहीं है बिल्कुल भी। पीछे 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 भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलाम या हफीज, हमें अंदर आने की इजाज़त दीजिए जो भी यहाँ पे अल्लाह की मखलूक है। कौन है? आजो आजो। अस्तग़फ़ार यार, ये बंद हुआ है यार, प्रॉपर बंद हुआ है। ये कुंडी जो है ये इस तरीके से हिली है ऐसे, मैंने खुद देखा इस चीज़ को। और इसके हिलाने के लिए भी अच्छी खासी फोर्स चाहिए, हवा से तो हिलेगी नहीं, लोहे की है। देख के ये नीचे दिखा बैठो यार, वही गंदगी नीचे शापर पड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा कि कल ही हमने यहाँ पे सफाई करवाई। देख सकते हैं उनका सामान भी इधर है और सारी चीजें। ध्यान से देखो, नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमें पता है कि तुम यहाँ पे रहते हो। और उमर, दूसरा मुझे ये हर 100% फील हो रहा है कि वो जो मखलूक है वो शरारत करती है, वो तंग करने के लिए छलेडे या वो छलावे हैं छोटे, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है, वो शरारतें इनके साथ होती हैं, कभी कंबल उतर गया कभी। वो कहते हैं कि उनको एक चीज भी नजर आई थी, कोई एक उनको साया नजर आया प्रॉपर इंसान। मैंने उनसे पूछा इंसान है या क्या चीज है, उन्होंने बोला वो इंसान नुमा लगता है मगर वो इंसान नहीं है। देखते हैं वो क्या मामला है। इंसानी कह रहे थे मगर वो कहते हैं कि इंसान नहीं है, कोई और चीज है वो। कौन है? ये भी दरवाजा देखो, वैसे अभी तो आए हैं इधर से। अल्लाह माफ करे, अभी तो आए हैं इधर से। कौन हो? तो लॉक हो गया, ये तो लॉक हो गया यार, माफ करे, प्रॉपर लॉक हो गया भाई। छोड़ दे। क्या कोई है? क्या देखे? क्या देखे है यार, इस कदर खौफनाक चेहरा इधर से नीचे से। हाँ, मैं यूं नीचे झुका हूँ, मैंने यूं टॉर्च से जब देखने की कोशिश की है तो एकदम से कोई चीज थी, फीमेल थी, लेग्स थी, फीमेल थी, फीमेल मतलब टांगे नहीं थी, ऐसे लग रहा था अकेली खोपड़ी नीचे आई है, चेहरा अकेला ऐसे है, लाल आंखें कर यार, ये लॉक्ड हो गया है। इधर आओ, ये दिखाओ, ये लॉक्ड है, यहाँ पे अंदर जाने की तो ये देख रहे हैं, ये लॉक्ड हो गया, कैसे हो सकता है ये? अंदर हैंडल नहीं था इसका तो। ये देखे ना, ऊपर से कोई कुंडी लगी हुई है, खोलो इसे, कौन है अंदर? कोई चीज है मुशायरे में, सामने आ सकती हो? मैं एक बार देख चुका हूं, मैं
हम इस कमरे में एंटर हो रहे थे तो वो चीज पहले से इस्तकबाल कर रही है उमर, मतलब दरवाजा जो है वो खुद खुल रहा है, इधर गए नहीं खुल रहा है ना, ना टूट जाएगा भी, रहने दे, वो हैंडल ही नहीं है उसका, वो हैंडल ही नहीं है, ये मेरे ख्याल से नीचे से ही कुछ अब ये लॉक हो चुका है। ये रीडिंग आ रही है, रीडिंग आ रही है, ये है किस वॉशरूम से आ रही है, वो नहीं हो रही, ये लॉक्ड हो चुका है, मखलूक ने बंद कर दिया है, इसका हैंडल ही नहीं है, वो ये खुलेगा कैसे, मुझे तो अब समझ नहीं आ रही, कोशिश कर देखते हैं। अजीब ही सिचुएशन है उमर, एक काम कर, एक काम करते हैं, काम करते हैं, आप थोड़ी देर लेटो, ठीक है, अभी लेटो, मैं कैमरा लगा, अभी लेटो, हम यहाँ से जाते हैं, क्योंकि वो चीज अगर यहाँ पे है ना तो अकेले पे अटैक जरूर करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे कोशिश करो, लेट जाओ, मैं माइक यहाँ पे नाइट विजन लगाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं क्या हो सकता है, नाइट विजन प्लेस कर दें और वो मुझे कोई चादर दे दीजिएगा, ठीक है, यही चाह रहे हैं कि अभी क्योंकि वो चीज एक्टिव है, ये देखो प्रॉपर रीडिंग आ रही है ना, ये देखो उमर आप लेटे, जल्दी जल्दी लेट जाओ, कोशिश करते हैं, अच्छा नाज़िम नाइट विजन में यहाँ लगा रहा हूँ, हम इस रूम को छोड़ने लगे हैं, ठीक है, दोनों कैमरामैन और हम लोग यहाँ इस एरिया से हम बाहर जाने लगे हैं और उमर आप अकेले यहाँ पे, ठीक है, नाइट विजन टॉर्च ईएमएफ आपके पास है, कुछ भी फील होता है कोशिश करना थोड़ा लेटने की, ठीक है, देन देखते हैं क्या होता है, ठीक है, हम इसको रिकॉर्डिंग पे अब अभी लाइट्स ऑफ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उधर उस तरफ कर देंगे कैमरा, लाइट्स ऑफ कर दें, सिर्फ रोल पर रहने दें, ठीक है, साइड पर हो जाएगा, मैं फ्रेम बना लूँ, आप बाहर चल जाए, ठीक है, ठीक है, कमरा छोड़ दीजिए, चलो आ जाओ, ठीक है, ध्यान से, हाँ ये केटू मीटर पकड़ लो और टॉर्च ऑन कर लो, ठीक है, ठीक है, इर्द गिर्द देख लें कुछ अगर, हाँ मुझे कुछ महसूस हुआ, चलो आओ, जरूर दरवाजा बंद कर दीजिए, अब नाज़िम मुशारिफ और जो हमारी टीम है वो इस रूम को छोड़कर चले गए हैं, इस कमरे में मैं बिल्कुल अकेला हूँ इस वक्त, सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ रुका हूँ ताकि अगर यहाँ कोई भी एक्टिविटी होती है तो मैं उसको
खुद भी देख सकूं और मेरे नाइट विजन में भी वो चीज़ कैप्चर हो सके। तो बाकी दुआ कीजिएगा कि ऐसी चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता कि इंसान को जो है कभी भी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। तो काइंडली हमारे लिए दुआ किया करें और हमें दुआ में याद रखा करें। इस वक्त जो है मेरी जो कैफियत हो रही है वो मैं आपको नहीं बता सकता। इस कमरे में उमर लेटा हुआ है और मैं और जो दूसरा कैमरामैन और तीनों हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अभी नाइट विजन अंदर लगा हुआ है, देखते हैं कि क्या होता है। हम भी वेट कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है उसके साथ। बहुत ही घुटन है इस कमरे में, बहुत अजीब सा समा है। नाज़िम इस वक्त रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम है, 2 बजकर मेरे ख्याल से 10 या 20 मिनट हो गए हैं। अभी तक तो मुझे ऐसी कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही ऑफिस, लेकिन उन साहब जिनका ये घर है उन्होंने हमें ये बताया था कि जब भी हम इस कमरे में कोई लेटता है तो उसको ज़्यादा तंग किया जाता है कि इस कमरे में ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वक्त कुछ आवाज़ें आ रही हैं, ऊपर चादर। ये चादर क्या कर रही है इधर? होशियारी, मैं यहाँ पर लेटा हुआ था यार चादर लेकर, जैसे उन्होंने बताया था बिल्कुल प्रॉपर वैसे हुआ है। यार मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ आराम से, मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ, मेरे ऊपर से किसी ने चादर खींची है। आ गया हूँ, आ गया हूँ। नहीं मेरे पास सुन, नाइट विजन चल रहा है, नाइट विजन में रिकॉर्ड हुआ होगा, आप काइंडली इसको। नहीं मेरी बात सुन, रिलैक्स हो, बैठ बैठ, रिलैक्स हो, इजी हो। मैं आपसे ज़्यादा दूर नहीं था, ये पीछे मैं खड़ा हूँ, ठीक है? हमने लाइट्स ऑफ की हुई थी नाज़िम, हम कभी ऑन करके आपको। प्रॉपर आज तक मैंने इतने शोज किए हैं आपके साथ, लेकिन मुझे कभी इतनी पावरफुल एंटिटी फील नहीं हुई। ये मतलब प्रॉपर चादर ही घसीट ली गई ऊपर से, चादर बाहर आई हुई है हमारे पास। मैंने कहा है कि चादर कहाँ गायब हो गई, जब से अभी रूम में थी और दरवाजा बंद है, ठीक है? दरवाजा आप बाहर से भी बंद करके गए थे और अंदर से भी बंद था, ठीक है? और ये एकदम से बाहर कैसे निकल गई है यार, मुझे समझ से बाहर है। हमने लाइट्स ऑफ की हुई थी बाहर, मेरा इस वक्त दिमाग माउफ हुआ हुआ है। मेरी बात सुन, मैं ये दोनों बाहर खड़े हैं, मैंने क्या देखा है, हम थोड़ी देर बाद लाइट्स ऑन करके खुद बातचीत करते थे कि यार वो अंदर देखते हैं क्या हो रहा है, मैं रीडिंग्स वगैरह देख रहा हूँ। मैंने क्या देखा है कि चार पाई पे कोई है,
कौन है? अभी रेटिंग आई है भाई, दोबारा दे सकते हो रीडिंग? भाई कोई है, कोई है, ये रीडिंग्स आ रही हैं, ये प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है। नाज़िन इस टाइम इस चारपाई पे कोई लेटा हुआ है, कोई मखलूक लेटी हुई है, ये नाइट विजन पे आप शाज़ीब दिखाओ, आप भी कोई मखलूक, ये देखें आप, यहाँ पर प्रॉपर मसला है इस कमरे में, ये आप देख सकते हैं और... कि ये रीडिंग्स बढ़ती हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, उमर की चादर उस मखलूक ने घसीटी, जो यहाँ पे रहते हैं उन्होंने यही बात की कि हमें रात को सोने नहीं देते, कंबल खींचती है वो चीज़, बच्चों के कपड़े गिर जाते हैं, ठीक है। तो हैरान कुन बात ये थी कि हम बाहर खड़े हैं, दरवाज़ा बंद था, चादर उड़ के बाहर हमारे कदमों में गिरी हुई है, और जब लाइट मैंने ऑन की, मैंने जब देखा ये कहाँ से आई है, और अंदर ये सारा आपके सामने रिकॉर्ड हुआ है, ये दिखाएं उमर, आई थिंक वी शुड, हमें यहाँ से एविडेंसेस हमने कैप्चर कर ली है, हमें दूसरा पोर्शन इसका, ये जगह वाकई में भारी है, भारी जगह पे वाकई में चीजें हैं, ये एविडेंस, वो दरवाजा अभी तक लॉक्ड है, ये एविडेंस अभी तक नहीं खुला, ये सॉलिड एविडेंस है, बिल्कुल हमें उस दूसरे पोर्शन में फौरी तौर पर जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि उधर क्या है, इतनी पावरफुल चीज मैंने कभी फील नहीं की यार। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। चलिए नाज़िन अब ऊपर देखते हैं। यार मुशारिफ मेरा दिमाग स्टक हुआ है, कसम से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या एकदम से और इतनी पावर से खींची गई, मुझे लगा था मैं भी घसीटा जाऊंगा साथ में, इतनी पावर थी सिर्फ उसको चादर में। मुझे जो हैरान तुम यार बात ये है कि वो जो चादर बाहर कैसे आई है, जिसे आपको ऐसा लगे कि मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज से आ रही है, मोबाइल मेरे पास नहीं है इस वक्त, इतना करीब नहीं है, कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा रीडिंग है और प्रॉपर इस जगह से आ रही है। अभी इसी पोर्शन से हम आए, ऊपर वाला पोर्शन रेनोवेट हुआ है, जो नाइट विजन है नाज़रीन, ये डिवाइस हमेशा कैडोमीटर में ऐसे ही जो है मखलूक को कैप्चर करती है और इस चीज की निशानदेही करती है और इसके साइंस वाज़ह करती है कि मतलब क्या हुआ यार, साया देखे मैंने यार, ये देखो स्टिल आ रही है ऊपर, देख के देख के देख के देख के साया देखे मैंने, आजे शाज़ीब, मुझे याद पड़ रहा है ये यहाँ पे था ना, यहाँ पे था, यहाँ साया गया है, साया मैंने तुम लोग बताया कि मामला थे, उधर दिखाएं, उधर दिखाएं, आए आए आए,
देखो हम तुम्हारी जगह पे आए हैं। अच्छा नाज़िम ये देख सकते हैं कि ये बड़ा फर्निश बनाया है, नया बना दिया और वो लग नहीं रहा कि ये वो वाला है। अच्छा इस घर में बेरौनकी है, बेरौनकी सी, हालांकि नया बना हुआ है, नया बना हुआ है लेकिन अजीब सी वहशत सी है। सामान है, जरूरत है जिंदगी का, हर चीज है, मगर एक अलग सी वीरानियत है और अलग से एक खौफ। मतलब आप देखें अजीब चीजें, ये गुड़िया बेशक एक खेलने वाली चीज है लेकिन एक अजीब सी ये खौफ कैफियत सा आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। मगर मेरी बात सुन, यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा तो वही मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है सीन यार, अजीब अजीब गरीब चीजें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। हुआ है गुड़िया का बना हुआ, अजीब सा यार, एक वो घुटन सी हो रही है। क्या आपने होने का साथ दिला? ओए अस्तगफार, ओए तो चल रहा है यार, ओए अरे ला माफ करे, ओए तो चल रहा है यार, ओए अरे ला माफ करे, ओए खुद चले उमर, मैं ये देखो, अल्लाह माफ करे, अस्तगफार अल्लाह। इधर आओ मेरे पास, सुन इधर आओ, इधर आओ, रिकॉर्ड किए हैं, नाइट विजन में हो रिकॉर्ड हुए, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। अल्लाह क्या दोबारा कर सकते हो? शादी भी बहुत ज्यादा, दिस इज अनबिलीवेबल यार, ये अच्छी खासी फोर्स चाहिए इसको खींचने के लिए और इसको चलाने के लिए, अच्छा खासा वजन है इसका यार, इसको टच नहीं करें यार, बेचारे छोड़ दें, नहीं इसके ऊपर कोई, क्या पता कोई बैठा हुआ ऊपर यार, आप अस्तगफार, मैं पैनिक हो गया, मेरी बात सुन, ये ना तो कोई रिमोट से चलने वाली चीज है, ना कोई ये सेल से चलने वाली चीज है, और ये अटक भी रहा है चलते हुए, प्रॉपर चल भी नहीं रहा है। हाँ इस तरह चला है प्रॉपर यार, नज़म यहाँ पे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ उमर, यहाँ पे वो चीज कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कोई है ना, तो दरवाजा मान जो कोई है, कोई चीज बहुत ज्यादा है यार। नज़म हम लोग पैनिक, उमर यार पैनिक होना बनता है, मैं एक हो ना दूर से चीज कैप्चर हो रही हो, हमारे बीचों बीच चीज का चल जाना, चार लोग हम यहाँ पे, दो कैमरामैन है और दो हम है, हमारे बीच ये चीज, बीच में ये हरकतें हो रही है, चीज मूव की है, फॉर गॉड सेक हम पैनिक क्यों ना हो, इतना सॉलिड एविडेंस यहाँ पे रिकॉर्ड हम कर रहे हैं। इसके साथ जो चादर वाला मामला हुआ, चादर का मूव होना, ये मखलूक नहीं डर रही हमसे, हमारे बीचों बीच शरारतें कर रही है कभी, और ये बहुत सॉलिड था। मुझे जहां तक लगता है ये एक फैमिली है, ठीक है, इसमें बच्चा भी है, मर्द भी और औरत भी है, शरारतें ज्यादा है, हाँ शरारतें ज्यादा, बच्चे शरारतें ज्यादा ही करते हैं, मुझे ये लग रहा है कि, और रीडिंग्स भी आप देख रहे हो नीचे वाली सतह पे आ रही है, बिल्कुल जैसे 3 से 4 फुट है। नज़र हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि वो चीज तो यहाँ पे बसती है, वो यहाँ पे रहती है, बिल्कुल बसती है, 100% बसती है, 110% बसती है यार, और चीज का हमें केटोमीटर पे रीडिंग देना, उसके बाद नाइट विजन पे जो उमर के साथ हुआ, मैं यही कहूंगा मुशारिफ, हाँ। कि अगर आपको कोई चीज, मतलब आप कुछ चाहते हैं कि मतलब आपको शो हो, पता चल जाए, हाँ। कि वो किसी जगह पे ऐसी मखलूक है, हाँ। तो वो यही निशानियां देती है हमेशा, कभी सामने सामने अल्लाह का एक पर्दा है, बहुत रेयर होता है जब वो चीज सामने आ जाती है, कभी भी नहीं होता कि वो चीज आपके सामने, हमारे सामने आई है, ये बात उमर हमारे सामने आई है, डिफरेंट लोकेशन, तो जानवर की शक्ल में आएगी या इंसान की शक्ल में भी आ सकती है, या ये फिर कुछ हो, या फिर मजे आ रही है,
बर्तन गिरे या फिर एक साया बन के आती है, वो कभी भी ये अपना आप शो नहीं करती है, सामने नहीं आती है, यही एक यही कुछ साइंस देती है। बहुत सॉलिड था, बहुत सॉलिड प्रूफ है नाज़िन हमारे लिए, ये हम लोगों ने जो रिकॉर्ड कर ली आज, ये आप लोगों के लिए है कि एक चलती हुई ये बच्चे की साइकिल क्या कहें से वो मूव कर रही है हमारे सामने, और ये अच्छी खासी वजनी है, वजनी है, हवा से तो हिलने का नाम इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। नाज़िन अपने फीडबैक से मैं आगाह कीजिएगा, अभी हमने जिस हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि वो मखलूक यहाँ पे है, एक से ज़्यादा है, डेफिनेटली आगे रूहानी टीम को साथ इनको हम जरूर रब्ता करवाएंगे, इनका इनके लिए जरूरी है, जरूरी है, बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं, क्योंकि घर अब छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, इन्होंने भी रिसेंटली इसको रेनोवेट भी किया है, और देखें मुशारिफ ये नया बनाकर भी मतलब वो रह नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे, अभी सामान पड़ा हुआ सब कुछ ऐसे छोड़कर, छोड़ के हम ऐसे हम अक्सर बात करते हैं जब भी कोई चीज़ बनाए उसके इर्द गिर्द देखें, क्योंकि जो नई प्रॉपर्टीज बन रही हैं वहाँ पे पहले आबादी नहीं थी, कब्रिस्तान था या कुछ और था, बहुत देख सुख के करें, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, जो हमने आज प्रूफ्स रिकॉर्ड किए हैं उससे हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फारूकी और उमर ज़ाहिर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा।